कैसा रहा पेपर बताइए। पेपर ऑल टुगेदर गुड था, मतलब मैथ मैथमेटिक्स के क्वेश्चन थोड़े से मतलब टफ थे, रीजनिंग का क्वेश्चन बहुत कम थे, जिसके वजह से स्टूडेंट्स को बहुत आसानी हुई। ऑल टुगेदर मैंने भी अच्छा पेपर दिया। सबसे बड़ी बिहार पुलिस में जो बात कही जा रही थी धांधली सेटिंग को लेकर, अंदर कुछ ऐसा दिखा आपको कि ऐसा कुछ एक्टिविटी हो रहा है, गलत एक्टिविटी? देखिए स्टूडेंट्स में ऐसी बातें तो चल रही थी एग्जाम के पहले। आपको अपने एग्जाम सेंटर पर कुछ दिखा? नहीं, मुझे मेरे एग्जाम सेंटर पर ऐसा कुछ बहुत नीट एंड क्लीन हुआ है। बिल्कुल, यहाँ पर देखिए अभी हम BN कॉलेजिएट प्लस टू हाई स्कूल पटना में हैं और यहाँ पर बिल्कुल साफ सुथरे माहौल में एग्जाम हुआ है। और भी छात्रों से हम बातें करेंगे कि परीक्षा कैसा रहा, क्या पूछे गए प्रश्न। एक मिनट रुक जाओ भाई, कैसा रहा एग्जाम बताओ? मॉडरेट लेवल क्वेश्चन थे। कितने अटेम्प्ट किए? फर्स्ट ही था। अटेम्प्ट फर्स्ट था। कितने क्वेश्चन बनाए? क्वेश्चन 91। कैसे क्वेश्चन का लेवल कैसा था? लेवल मतलब ये ना तो हार्ड था और ना इजी था। अच्छा, अंदर में कोई इलीगल एक्टिविटी दिखी आपको धांधली सेटिंग वाली कुछ ऐसा? नहीं, कोई ब्लूटूथ ये वो जो डिवाइस की बात चल रही थी ऐसा कुछ दिखा आपको? नहीं, कुछ नहीं दिखा ऐसा तो। अच्छा, प्रश्न को जो लेवल था वो सच में 10th लेवल का जो पहली बार दिया गया था वो था या फिर 12th लेवल बाउंस? नहीं, कुछ क्वेश्चन 12th लेवल के भी थे उसमें। 12th लेवल के क्वेश्चन थे? कहां से क्वेश्चन, कौन से सेक्शन? सेक्शन फिजिक्स से थे। फिजिक्स से 12th लेवल के क्वेश्चन में? हां। अच्छा, फिर आपने टैकल नहीं किया उन सब? टैकल तो किया लेकिन जितनी मेहनत हो पाई। कोई नहीं, सर मैम एग्जाम बताइए। बहुत अच्छा। कितने भाई बनाए आपने? लगभग 75 बनाए। 75? हाँ, पेपर बहुत अच्छा है। कहीं से हमको लगता है कि पेपर वायरल भी नहीं हो रहा है और बहुत अच्छा, मतलब आयोग का। आपके इस सेंटर पे भी पूरे नीट एंड क्लीन? हाँ, बहुत अच्छे से एग्जाम हुआ। कोई जैमर वगैरह भी सही प्रॉपर तरीके से लगा हुआ था, जैमरों में सब कुछ। यहाँ की गई थी अच्छे से? नहीं, हाँ लेडीज लोग का अलग था तो वहाँ चेकिंग हुई थी। हाँ। आज के सबसे ज्यादा सेक्शन कौन सा आपको परेशान? मैथ का। मैथ के कम से कम 12-13 होंगे। मैथ सबसे ज्यादा परेशान? हाँ, मैथ। अच्छा, 10th लेवल से बाहर भी गया था? नहीं, कुछ भी नहीं, सब उसी के था। और मतलब पेपर का लेवल भी बहुत अच्छा था। साइंस बोल रहे कुछ आउट किया? साइंस में भी ठीक था, साइंस में भी इजी था, सब कुछ मतलब नॉर्मल था, कुछ हार्ड नहीं था। यार पुलिस लेवल अपना लेवल में? हाँ, अपना लेवल, ज्यादा नहीं, कुछ नहीं, ओवर कुछ नहीं था। जो पढ़ा होगा उसका अच्छे एग्जाम गया। चलिए, ऑल द बेस्ट। थैंक। कैसा रहा मैम एग्जाम बताइए? कितने प्रश्न बनाए? लड़कियां कुछ घबरा भी रही है। आ जाइए जी, कैसा रहा एग्जाम बताइए? एग्जाम तो ठीक था। कैसा लेवल कैसा था प्रश्न? लेवल नॉर्मल ही था। अच्छा, अंदर कुछ दिखा आपको इलीगल एक्टिविटी जो ब्लूटूथ की बात की जा रही थी ये वो फलान चिलान? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कुछ पूरा नीट एंड क्लीन एग्जाम हुआ है जी। चलिए, 10th लेवल की बात की गई थी कि 10th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन आएगा, आया था? हाँ जी, बहुत। बाहर भी गया था? 12वीं सबका भी आया था क्वेश्चन? 12वीं का था, 10th का था। अच्छा, 12वीं का भी आया था? कौन सा क्वेश्चन आया था, कौन से सेक्शन से? साइंस से था और केमिस्ट्री आर्ट से भी था, एक दो क्वेश्चन। अच्छा, और एक तो था थोड़ा बहुत या फिर बहुत ज्यादा, दो चार क्वेश्चन का कोई ये नहीं? हिस्ट्री से था, बहुत सा ज्यादा। हिस्ट्री से ज्यादा? हाँ, मतलब कम से कम 10-12 था। चलिए, ऑल द बेस्ट। आइए, क्या कैसा रहा एग्जाम बताइए? बहुत अच्छा। कैसा लेवल कैसा था? अब क्या भी बता रहे। कैसा रहा एग्जाम? एग्जाम तो मॉडरेट था। कितने अटेम्प्ट किए आपने? टोटल नेगेटिव? टोटल नहीं तो नेगेटिव। कितने सही हो जाएंगे? 65 प्लस हो जाएंगे। चलिए, क्या लेवल कैसा था प्रश्नों का? 10th से बाहर भी दिया गया था? साइंस को छोड़ दिया जाए तो वो 10th तक ही था। साइंस जो लग रहा था कि 11th 12th का था। अच्छा, साइंस में कुछ टफ था? फिजिक्स से कुछ ज्यादा क्वेश्चन था। अच्छा, कुछ इलीगल एक्टिविटी भी दिखी अंदर की? ऐसा कुछ हो रहा है पहले जैसे कहा जाता था? कदाचार मुक्त परीक्षा हो रही थी बस, पूरा नीट एंड क्लीन एकदम साफ सुथरी परीक्षा। और सबसे ज्यादा सेक्शन आपको कौन सा ज्यादा टफ है? वही साइंस वाला, फिजिक्स उसमें से कुछ ज्यादा पूछ दिया। जैसे 10वीं लेवल से वो आउट हुआ वो 11th का लग रहा था, 11th 12th का साइंस। 11th 12th का साइंस, फिजिक्स बता रहे थे कुछ लड़के। हाँ, 11th का या 12th का फिजिक्स उसमें ज्यादा पूछ दिया गया। प्रीवियस ईयर से कुछ आया? प्रीवियस ईयर से हाँ, जिसने 10th 10 साल तक के प्रीवियस ईयर जिसने कर लिए होंगे उसके लिए इजी होगा। प्रीवियस ईयर से आ रहे? हाँ, प्रीवियस ईयर। चलिए, ऑल द बेस्ट। उसके लिए तो 70% आता ही। चलिए, ऑल द बेस्ट। थैंक। आइए और भी छात्रों से बातें करते हैं। कैसा रहा एग्जाम बताइए? अच्छा रहा। कितने अटेम्प्ट किए? हमने तो अटेम्प्ट किए 90 कम। अच्छा, नेगेटिव नहीं था, सारे कर सकते थे 90। आपने सही सही किए 90 में, करीब 72-75 का भी। अच्छा, 72-75 सही हो जाएगा। अच्छा, प्रश्नों का लेवल कैसा? रुक जाइए थोड़ा सा, रुक जाइए। अच्छा था, लेवल ठीक था, कुछ कुछ क्वेश्चन हार्ड था, कुछ कुछ नॉर्मल था। 10वीं लेवल से कह रहे हैं कि बाहर भी आ रहा था, जबकि कहा गया था सिलेबस में कि 10वां लेवल तक है। नहीं, 10वां लेवल तक था, वैसा कुछ बोल रहे हैं। साइंस का पोर्शन कुछ आउट हुआ था, 12वीं लेवल कुछ बाउंस किया था? बाउंस ऐसा कुछ नहीं था।
साइंस का जो क्वेश्चन था कुछ बाउंस किया था, 12वीं लेवल का आ रहा है कुछ ऐसा? बाउंस तो कुछ ऐसा विशेष नहीं है, जो भी है जो पढ़ा। कैसा रहा एग्जाम बताइए? बहुत मस्त, बढ़िया तरीका था, इतना सवाल हो गए बहुत पूछे। कितना सही किया आपने? कितना यानी मुझे मान लो 75% सही कर लिया। हाँ, कैसा आपने मैंने दिया। अच्छा आपने कितने? मेरा अभी है दूसरी से। दूसरी से आई, कैसा रहा एग्जाम बताइए? बहुत बढ़िया गया एग्जाम, सही था। हाँ क्वेश्चन थोड़ा ठीक लेवल का था, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछा था, मीडियम ही लेवल था। बस जो फिजिक्स का था ना और केमिस्ट्री का रिएक्शन वो पूछ दिया था थोड़ा ऊपर लेवल का, इसलिए बाकी सब नॉर्मल लेवल था। हिंदी आपको हिंदी तो बना ही दीजिएगा, नॉर्मल लेवल था हिंदी। पांच छह क्वेश्चन जीके का सबसे ज्यादा वेटेज रहता है, जीके का क्वेश्चन कैसा ठीक था? जैसे कि पुराना जीते आज बढ़िया था भैया, जीके का इजी भी था, याद सब निकाल लेंगे लड़के, नहीं कह सकते हैं। ओल्डेस्ट जीके था ना जो पूछे वो पांच मीडियम में था, करेंट लेवल जैसे कि ओल्डेस्ट यानी कि एंशियंट वाला पूछा था, जैसे कि ओलंपिक का वो था एंशियंट में से पूछता, पुराना तीन चार पूछा था, और जो करंट का वो बहुत ही कम पूछा था, जो बीच मिडिल वाला है जो 20 से 23 के बीच में बहुत ज्यादा पूछा। जिस सेंटर पर हम हैं यहाँ पर पूरे नीट एंड क्लीन एग्जाम हुआ है, सभी छात्रों का रिव्यू सुना आपने कि किस प्रकार से क्वेश्चन का जो लेवल था, कुछ छात्र बोल रहे हैं कि थोड़ा बहुत दसवीं के बाहर गया था, लेकिन सभी का कहना है कि एकदम मॉडरेट लेवल था, जिस प्रकार से बिहार पुलिस का एग्जाम होना चाहिए, जो लेवल होना चाहिए वही था। और सभी छात्रों ने बताया अभी पूरे तरह से मेरिट में आना होगा, अपने परिश्रम के बल पर, दूसरा कोई उपाय नहीं है। चलिए मिलेंगे आपसे सेकेंड शिफ्ट में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।